हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल हाइपर ट्रेड मोहम्मद सुहेल अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि ऑसिलेटर लगा के सेटिंग कैसे करते हैं एंड उसके हिसाब से कैसे ट्रेड करते हैं अभी देखिए मैं यहाँ पे हुलमा निकाल दे रहा हूँ हुलमा निकाल दे के मैं यहाँ पे लगाऊंगा दोस्तों एस एस एल हाइब्रिड एस एस एल हाइब्रिड जो है इसका सेटिंग देखो टोटली डिफरेंट है अभी मैं यहाँ पे इसे सेटिंग करता सेव कर लेता हूं। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों आज मैंने जो ट्रेड दिया था एंड उसके हिसाब से कैसे ट्रेड करवाया था एंड कल क्या होने वाला है मार्केट में अभी के लिए देखिए दोस्तों मार्केट में टोटली फोर्टी आर का सपोर्ट है इधर यहां से ट्रेंड चेंज कर चुका है इसका मतलब है पॉजिटिव जाएगा ऊपर से लूज कैंडल फॉर्मेशन कल क्लबिंग होगा कल का फर्स्ट हाफ मार्केट आपको पॉजिटिव ही है सेकेंड हाफ मार्केट ही आपको नेगेटिव लेके जाएगा जैसे कल के वीडियो में समझाया था उसी तरीके से ये बैंक निफ्टी के लेवल्स दिया था मैं दोस्तों 35400 तक का हमें बैंक निफ्टी में ट्रेंड देखने को मिलेगा एंड निफ्टी में ओपन जो लेवल हुआ है उसके नीचे अगर जा रहा है तो वहां से बैक करेगा उसके हिसाब से मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिया इंस्ट्रक्शंस देने के बाद स्विंग पोजीशन कॉल दिया था टीवीएस मोटर का फ्यूचर सेल जिसके अंदर हमारा पहला टारगेट भी अचीव हो चुका और ये हमारे ट्रेडर है जो जिसने प्रॉफिट बुक किया अभी उसके बाद देखो टीवीएस मोटर्स का 733 का लो हमारा पहला टारगेट ही 735 था सेकंड टारगेट 729 था स्विंग है तो तीन दिन में प्रॉफिट बुक अचीव होगा अभी उसके बाद जैसे ही ट्रेंड बना ठीक है उससे पहले मैं टीवी देख रहा था टीवी देखते हुए अपडेट कर रहा था दोस्तों रेपो रेट तो चेंज हो गया है ज्यादा से ज्यादा आ गया है इसके सबसे से मार्केट गिरना है पर यहाँ पे मार्केट बढ़ रहा है तो दोस्तों यहाँ पे कुछ गड़बड़े वेट करेंगे जैसे ही मार्केट का ट्रेंड चेंज होने लगा वहां पे मैं आप सभी लोगों को दे दिया दोस्तों पुट

एंड दूसरा टारगेट भी नीचे लेवल पे अचीव हो चुका है यहाँ टारगेट अचीव हो चुका जैसे ही टारगेट अचीव हो चुका हमारे सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर सभी सभी भी 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 और पेड मेंबर भी जो भी हैं लोग स्क्रीनशॉट लगे उसके बाद आज का ट्रेड मैं खत्म कर चुका एनालिसिस के बेसिस पे ही जो मैंने सुबह बताया था उसके बेसिस पे ही मैं एनालिसिस कर चुका अभी मार्केट क्या हो रहा है देखिए अपने एम के हिसाब से बइंग है अपने आर के हिसाब से बइंग है हमारे एस एस एल हाइब्रिड के हिसाब से भी अभी यहाँ पे बइिंग है तो अभी मैं दो मिनट के लिए से हाइड करता हूँ हाइड करके मैं पहले अपना ब्रेकडाउन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे अपना पहला है दोस्तों। पे अपना ब्रेकआउट है जो सुबह लाइव मार्केट में सपोर्ट पकड़ के रैली दिया है ये अपना ब्रेकआउट है अभी यहाँ पे मेजर बात देखो अच्छे से याद रखो एनालिसिस कैसे करता है कभी भी अपने ब्रेकआउट से ब्रेकडाउन काफी दूर होता है तो हम लोग उसका निकालते हैं प्राइस रेंज हम निकालते हैं देखते हैं यहां से लेके यहां तक का प्राइस रेंज क्या आया यहां तक का प्राइस रेंज आया दोस्तों 1.37 परसेंट ऊपर से 476 अब ये क्या करेंगे 476 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे कितना आएगा 238 आएगा मैं भी अभी मोबाइल पे कैलकुलेट किया हूँ मैं भी उतना फास्ट कैलकुलेटर नहीं हूँ so, टू 38 आएगा तो यहाँ से 238 का लेवल ये हमारा पहला टारगेट होगा कभी भी याद रखना ब्रेक डाउन लेवल अगर अपने दूर होता है तो उसका मिड रेंज हमारा पहला ब्रेक डाउन लेवल बनता है उसके बाद यहां से दूसरा ब्रेक डाउन लेवल यहां से लेके यहां तक का रेंज क्या बना 238 देखो टू थर्टी एट डिवाइडेड बाई टू ये भी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ अपने मोबाइल में वन नाइनटीन यानी दूसरा टारगेट हमारा यहाँ पे होगा का कहां गया 190, ये हमारा दूसरा टारगेट होगा राइट ये हमारा दूसरा टारगेट होगा अभी कल के लाइव मार्केट में क्या होने वाला है कल का लाइव मार्केट तो पॉजिटिव है तो अपना लेवल के हिसाब से थर्टी फाइव नाइन थर्टी फाइव नाइनटी इसे मैं रेड कलर कर देता हूं ये हमारा पहला ब्रेकडाउन लेवल है कल जो हमें टारगेट देने वाला है एंड थर्टी फाइव टू हंड्रेड ये हमारा सेकेंड ब्रेकडाउन लेवल है एंड यहाँ पे थर्टी फाइव एट फिफ्टी थर्टी फाइव एट फिफ्टी कल अगर थर्टी फाइव एट फिफ्टी का लेवल ब्रेकआउट ब्रेक कर रहा है तो दोस्तों फॉल अभी इसका आप खुद स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए अभी मैं यहाँ पे लगाता हूँ उसी सेटिंग्स के हिसाब से काम करिए आपको डबल बेनिफिट होगा अभी अब जैसे मेरा वीडियो देखो मेरे वीडियो देखने के बाद भी कुछ कुछ कंफ्यूज होता है तो वाला इंडिकेटर लगा लेना जिसके अंदर आपको सेलिंग पे इंडिकेशन मिलेगा जिसके अंदर आपको बाइंग पे इंडिकेशन मिलेगा जिसके अंदर आपको सेलिंग पे इंडिकेशन बाइंग पे इंडिकेशन बाइंग पे इंडिकेशन सेलिंग पे इंडिकेशन सेलिंग पे इंडिकेशन तभी ट्रेड करना जब एमएससीडी प्लस लेवल होता है बाइंग इंडिकेशन पे तभी ट्रेड करना जब एमएससीडी माइनस लेवल पे होता है अगर मार्केट के हिसाब से ट्रेंड के हिसाब से एमएससीडी के अगेंस्ट जा रहे हो इंडिकेटर लगाने के बाद भी आपको नुकसान ही होगा तो कंप्लीट सजेस्ट करूंगा कल पहला फर्स्ट हाफ मार्केट कॉल मार्केट है सेकंड हाफ मार्केट पुट मार्केट है